मैं 10 साल के लिए वर्क परमिट पे जा रहा हूँ कनाडा। आपने उसका वीजा लगाया, आपने मेरा वीजा क्यों नहीं लगाया? तेरा हस्बैंड कनाडा जा रहा है तो खुश नहीं हुई? बिल्कुल खुश। सिंगल जाऊंगा और सिंगल जाऊंगा। आपको एक लड़की के साथ भेज दूं, वो भी 10 साल के लिए, उसके बाद आप हमें भूल जाओ। ये सोच रही मैं अंजलि से शादी कर लूंगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग सब जा होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग हमारे प्रैंक्स इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है? तो हमारे प्रैंक्स में आप प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। और फ्रेंड्स, आज ना मैं अपनी वाइफ पे करने वाला हूँ एक मस्त सा प्रैंक, ठीक है? तो मैंने देखा है सब लोग जाते हैं थाईलैंड, तो ना अगर मैं थाईलैंड का प्रैंक करता हूँ तो मेरी वाइफ को शक हो जाएगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसको बोलने वाला हूँ कि मैं भाई जा रहा हूँ कैनेडा, ठीक है? तो ये आज का प्रैंक होने वाला है। तो प्रैंक में होने वाली है ढेर सारी मस्ती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रैंक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आरती, क्या है? मुझे तेरे से ना कुछ बात करनी है। बोलो। अरे सुन तो सही, इसको बंद करके रख दे। क्या हो गया? अरे बंद करके रखना है इसको। बोलो जल्दी, क्या बात है? सुन। हाँ बताओ। मैंने ना तेरे से ना बिना बताए ना 3 महीने पहले कनाडा का वीजा अप्लाई किया था। क्या? कनाडा का वीजा अप्लाई किया था मैंने तेरे से छिपके, तुझे बताया नहीं मैंने। क्यों? लेकिन आज तेरे लिए ना सरप्राइज है। लगा ही नहीं होगा आपका, है ना? सरप्राइज यही तो है कि मेरा कनाडा का वीजा लग गया यार। ओह नो। क्या बात कर रही है? मेरा कनाडा का वीजा लग गया है, 10 साल के लिए मेरा कनाडा का वीजा लगा है। मैं 10 साल के लिए वर्क परमिट पे जा रहा हूँ कनाडा। इतना खुश हुआ है ना यार? तो कनाडा का वीजा इजीली लगता है क्या बिना बताए बीवी को? अब बता रहा हूँ ना, मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा कि पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। अब लग गया वीजा तो मैंने तेरे को बता दिया है कि मैं 10 साल के लिए ना वर्क परमिट पे कनाडा जा रहा हूँ, ठीक है? और वहां से कमा कमा के ना मैं तुझे यहाँ पे भेज दिया करूंगा हर महीने। बीवी को बताना जरूरी नहीं समझा आपने बिल्कुल भी? यार मैं तुझे सरप्राइज करना चाहता था। हो गई ना सरप्राइज, अच्छे से सरप्राइज होगी अब तो। अब तो ऐसे मुंह बनाएगी तो मैं जा। अच्छा, आप रह लोगे हमें छोड़ के? हाँ रह लोगे अकेले? देख अब रह तो नहीं पाऊंगा अकेले, लेकिन रहना पड़ेगा ना। और वैसे भी मेरे साथ अंजलि जा रही है। कौन अंजलि? अरे अंजलि वो जो मेरी क्लासमेट नहीं है, जो मेरी क्लासमेट थी। वो क्या करेगी जाके? अरे उसने मेरे साथ ही अप्लाई किया था कनाडा का वीजा, और सरप्राइज फॉर्चुनेटली उसका भी लग गया कनाडा का वीजा। अब वो भी साथ में जा रही है। इसका मतलब आप दोनों ने प्लान किया था ना जाने के लिए? यार मैं ना अप्लाई कर रहा था। एक बात बताओ, वैसे ही बोल दो कि मेरे को उसके साथ जाना है, है? अरे उसके साथ के जाने यार, हम काम करने के लिए जा रहे हैं वहां पे, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? गुस्सा हो गई। हम काम करने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ कुछ ऐसे घूमने फिरने नहीं जा रहे। तो जब आपने वीजा अप्लाई किया तो उसने भी साथ साथ किया, इसका क्या मतलब है? यार देख, हम दोनों एक साथ पढ़े थे, हम एक क्लासमेट थे, ठीक है? एक कॉलेज में पढ़े हैं। तो मैंने जैसे भरा तो उसने भी भर दिया। उसका भी बहुत पहले से प्लान था कनाडा जाने का। अरे ये सब छोड़ दू, ये बता तू खुश हुई कि नहीं हुई? नहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्या यार, हाथ हटा लो। तेरा हस्बैंड कनाडा जा रहा है तो खुश नहीं हुई? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? नहीं क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं यार जाऊंगा नहीं तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा? यार मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, समझ आ गई आपको? एक बार में 1000 बार नहीं बोलूंगी एक बात को। अभी सुन लो इसे, बाद में सुन लो, मैं मेरे से बात मत करो। ये क्या बात है यार, इतना गुस्से में क्यों है? हाँ अरे सुन यार आरती, यार देख कनाडा तो मैं जाऊंगा, ठीक है? और तुझे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तक मेरे को नहीं बताई थी तो अब बता के क्या कर लिया आपने मेरे को?
मैं तेरे को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे आपके अच्छे अच्छे सरप्राइज, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अपने सरप्राइज अपने पास रखो। यार किस्मत वालों का वीजा लगता है। मुझे पता है आपका क्या प्लान था। ठीक है, मैं समझ गई आपके कौन से प्लान चल रहे हैं। अरे तू गलत समझ रही है यार, अंजलि मेरी दोस्त है बस। दोस्त है तभी तो समझ रही हूँ, दोस्त है। और ये तो फॉर्चुनेटली पता नहीं किस तरह से उसका भी वीजा लग गया, मेरा भी लग गया, वरना किसका कहाँ लगता है वीजा। अब देख समझा गया, अब मेरे को देख टिकट बुक करानी है, ये सब करना है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और तू जाने के लिए इस तरह से एक्साइटेड हो आप है ना जाने के लिए। तू यार कनाडा में जाके मैं डॉलर कमाऊंगा, कैनेडियन डॉलर, समझ। एक डॉलर आज के टाइम पे कितने का है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ठीक है, मेरा फैसला भी ये है कि मैं तो कनाडा जाके रहूंगा। क्यों जाके रहोगे, मैंने बोल दिया ना आपको ना आप नहीं जाओगे। ठीक है आरती, मैं समझता हूँ तेरी फीलिंग्स यार, मुझे पता है तुझे, मुझे पता है तू मेरे बिना नहीं रह सकती, पर तुझे यार समझना चाहिए, मेरे पे यकीन रख, भरोसा रख। ठीक है, मुझे नहीं आपके ऊपर भरोसा। हम दोनों को ना एक दूसरे के ऊपर दिलाओ यकीन, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना होगा, समझा कर, डर मत। मुझे भरोसा नहीं आपके ऊपर। तू यहाँ रह के घर संभाल, मैं वहाँ पे रह के पैसे कमा के तेरे पास भेजता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया ना नहीं जाओगे आप, कहीं नहीं जाना आपको। आपने उसका वीजा लगाया, आपने मेरा वीजा क्यों नहीं लगाया है? आपने मेरा क्यों नहीं लगाया, आपने मेरे को बताया था, आपने कुछ नहीं बताया। तेरी क्वालिफिकेशन एज पर हमारी नहीं है ना यार, मैं तो पढ़ी लिखी हुई नहीं, आप भी पढ़े लिखे यार, उसकी और मेरी सेम क्वालिफिकेशन है। एक बात बताऊं यार, देख तू जल मत। ठीक है, मैं जल रही हूँ। तू ये सोच रही है कि अंजलि, अंजलि मेरी मेरी शादी नहीं हो रखी अंजलि से। ठीक है, तू इसलिए जल रही है कि उसका वीजा लग गया। पर आप चाहते थे ना ये मेरे साथ ना जाए, इसलिए आपने मेरा वीजा नहीं लगवाया। ठीक है यार, अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो आप भी नहीं जाओगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंजलि के साथ जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। ठीक है ना, भाई कनाडा जा रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं कि मना कर दूं मैं नहीं जा रहा। तो मेरे को क्यों बता रहे हो, जाओ जहाँ जाना है आपको, मेरे को कुछ मत बताओ, हट जाओ यहाँ से। कर आरती समझा कर, अंजलि मेरी सिर्फ दोस्त है। दोस्ती तो है, मैंने कौन सा बोला तो तू ना क्यों जल रही है, वो अपनी कंपनी में काम करेगी, जा तो आपके साथ रही है ना। तो क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते हैं यार, तू गलत समझ रही है, अंजलि के साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और देख कनाडा तो मैं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ हमारा फ्यूचर ना सिक्योर रहे, समझा कर। तो फ्यूचर सिक्योर रहे, आपने पहले क्यों नहीं बताया था। मैं तुझे सरप्राइज करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे सरप्राइज अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। ठीक है, सच में मैं तुझे ना अपना सरप्राइज अपने पास रखो, और ये सरप्राइज कुछ नहीं है, ये मेरे को आपने शौक दिया है। ऐसा कुछ नहीं है यार, समझा कर यार, कनाडा जाऊंगा। मेरे को नहीं भेज रहे आप कनाडा, कनाडा मैं नहीं भेजूंगी आपको, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, क्या बोला तूने, हमें नहीं चाहिए ज्यादा पैसे। तुझे ये लग रहा है मैं मौज मस्ती करने जा रहा हूँ वहाँ पे, मुझे क्या पता यार, मौज मस्ती से अलग भी एक दुनिया है जहाँ पे पैसा कमाया जाता है वहाँ पे। यार मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा ना सर दर्द होने लग गया आपकी बातें सुन सुन के, पता नहीं किस तरह की बातें बताने लग जाता। कनाडा जा रहा हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ, 10 साल के लिए जा रहा हूँ। अरे तो वर्क परमिट मिला है 10 साल का, लोगों को 1-2 साल का मिलता है, मुझे 10 इयर्स का मिल गया है, और इसके बाद मैं वीजा बढ़वा लूंगा ना, और PR भी अप्लाई कर दूंगा। समझा कर आती, मैं नहीं समझ रही। तेरे लिए पानी लेके आता हूँ, पानी पी ले, थोड़ा ठंडा दिमाग कर अपना, समझा कर यार। समझा कर, जाने दे मुझे कनाडा, सिंगल जाऊंगा और सिंगल ही आऊंगा। मुझे कोई भरोसा नहीं है आपके ऊपर। अच्छा मैं एक पेपर पे साइन करवा ले, नहीं करवाने साइन वाइन, आप जाओगे नहीं साइन तो मैं तब करवाऊंगी ना। अरे मैं नहीं करूंगा किसी से शादी, मैं नहीं करूंगा वहां पे कोई झोल माल। आप नहीं जाओगे ना, मैंने बोल दिया ना, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। ठीक है यार आरती, मैं कनाडा जाऊंगा, समझा कर, तुझे समझना होगा। क्या समझूं मैं इसमें, क्या समझूं, आपको एक लड़की के साथ भेज दूं, वो भी 10 साल के लिए, उसके बाद आप हमें भूल जाओ, हम हैं भी या नहीं है, फिर आप आना बंद कर दो, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। तो कहीं नहीं जाएगी, तो मेरे दिल में है। ठीक है ना, दिल में क्या होने से क्या होता। अरे यार तू समझा कर, अंजलि सिर्फ एक दोस्त है। ठीक है,
अब तुझे क्या लग रहा है उसको वहां पे ले जाके शादी कर लूंगा मैं उससे? मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? आरती समझा, दूसरी कंट्री में जाके ना इंसान चेंज हो जाते हैं। मैं कहीं चेंज नहीं होगा, मेरे को जाने दे कनाडा। कनाडा जाके दो चार पैसे कमा लूं, वहां से तेरे पास हर महीने भेजता रहूंगा और वहां दिवाली के टाइम पे आता रहूंगा तेरे लिए। आसान है ना बोलना। तू यहाँ पे रह के ना बच्चों का और अपना ख्याल रखना। मैं ख्याल रखूंगी अपना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, टिकट मेरे को कंफर्म करानी है। I'm so excited. और जैसे ही मेरा वहां पे ना मेरे को पीआर मिलेगी ना अगर, तो मैं तुम लोगों को भी वहीं पे बुला लूंगा कनाडा में। नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। अरे यार अंजलि के बारे में आपको तुम मेरे को पता है क्यों मेरे को नहीं जाने दे रही? तू सोच रही है मैं अंजलि से शादी कर लूंगा? हाँ, तू ये सोच रही है मैं अंजलि से शादी कर लूंगा? मुझे नहीं पता कुछ भी, पर आप नहीं जाओगे कहीं पर, ठीक है? अरे मैं कनाडा जाऊंगा यार। क्या प्रॉब्लम है? आपको कितनी बार बोल दिया नहीं जाओगे आप? ये क्या बात है यार, कनाडा का वीजा अप्लाई किया मैंने, इतने पैसे लगाए हैं उसमें, अब मेरे को कनाडा जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा रुको, कनाडा जाओ आप, सारे काम बाद में हो जाएंगे, कनाडा जाओ आप पहले, सबसे पहले, ठीक है? और भूल जाओ मुझे भी। मैं यार क्या बोलूं, तेरे को तो खुश होना चाहिए अंजलि मेरे साथ जा रही है, खाना वाना बना के मेरे को खिला दिया। मेरे को ना परेशान मत करो, ठीक है? तो अंजलि एक दोस्त है यार, वो दोस्त की तरह मेरा ध्यान भी रख सकती है। यार मेरा हाथ छोड़ दो मेरा, ठीक है? मेरे को बात नहीं करनी आपसे, बात करनी नहीं है, मेरे को बात ही नहीं करनी यार, बात नहीं करनी आपसे बात। अरे यार तू ऐसे कह रही थी मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ या इराक जा रहा हूँ कहीं पे, भाई कनाडा जा रहा हूँ, सात समंदर पार। दूसरी कंट्री जा रहे हो ना? अरे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पैसा कमाऊंगा मैं वहाँ पे यार। अरे तू यार ऐसे मत कर, समझा कर, दिमाग मत खराब करो, बोलते रहोगे आपको करते करते। अरे मेरा बच्चा यार तू ऐसे क्या आती यार, क्यों इतना सैड हो जाता है तू? मत हो इतना सैड। पति जाएगा दूसरी कंट्री तो पत्नी सैड नहीं होएगी, क्या होएगी? खुश होएगी फिर? मैं तो खुश नहीं हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं नहीं जा रहा, मजाक कर रहा हूँ। प्रैंक, नहीं जा रहा मैं। कौन सा प्रैंक है? अरे तो मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार मजाक कर दो, मैंने कहा सब लोग थाईलैंड वाईलैंड जाते हैं, मैंने सोचा कि आपकी बार में इसको बोल दूं कनाडा जा रहा हूँ। तो समझ ही नहीं पाएगी, कैसे विश्वास करूं? समझ ही नहीं पाएगी। मैंने सच में कुछ बोलोगे ना कुछ भी समझ नहीं पाऊंगी आपका। अरे सच में कहीं नहीं जा रहा, मजाक किया मैंने, ठीक है? अरे ऐसे परेशान मत किया करो मुझे, तुझे छोड़ के जा सकता हूँ मैं कभी? छोड़ के कभी नहीं जा सकता। नहीं जा रहा कनाडा, तेरे पास ही हूँ मैं।